हेलो फ्रेंड्स, हम आज केक बनाएंगे। तो ये देख सकते हैं कि ये दो कटोरी मैंने सूजी ली है। इस सूजी को भी हम बारीक करेंगे। बारीक वाली सूजी नहीं है, ये वजन से 300 ग्राम सूजी है। और ये आधा कटोरी मैदा है जो वजन से ये वजन से 70 ग्राम होगा। तो हम पहले सूजी पीस लेते हैं। तो ये सूजी को मैंने बारीक कर लिया। ये 300 ग्राम चीनी है फ्रेंड्स, इसको हम पीसेंगे। साथ में कुछ स्पाइसेस हैं हमारे पास, थोड़ा प्लम केक वाला टेस्ट आए इसकी वजह से। ये मैंने दालचीनी, ये बड़ी इलायची, ये 10 से 12 काली मिर्च है और ये लौंग है। इसका छिलका उतारेंगे। बड़ी इलायची का छिलका उतार के चीनी के साथ ही पीस लेंगे। ये मसाले अलग से पीस नहीं पाएंगे अच्छे से, इसलिए चीनी के साथ पीस लेंगे इसको। तो ये चीनी पिस गई है, अब इसको हम एक बाउल में लेंगे, बड़े बाउल में। अब इसमें हम 200 ग्राम दही डालेंगे। दही फ्रेंड्स ठंड है, रूम टेम्परेचर पे दही होना चाहिए बिल्कुल। अगर फ्रिज में है तो निकाल के बाहर रख लीजिए। अब इसको अच्छे से हम फेटेंगे। अब ये अच्छे से फेट ली हूँ। अब इसमें मैं 125 मिलीलीटर ये ऑयल डालूंगी, जिसमें कोई सुगंध ना हो। इसकी जगह पे आप मेल्टेड घी, बटर, कुछ भी ले सकते हैं। इसको अच्छे से हम फेटेंगे। अब ये देख सकते हैं बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर आ गया है। अब सूजी डालेंगे, सूजी जो पीस के रखी हूँ, इसको अच्छे से मिलाएंगे। केक एक ही डायरेक्शन में फेंटते हैं। अब ये मैदा है, इसको भी मिला लेंगे। अब इसको हम 10 मिनट ऐसे ही छोड़ेंगे, सूजी अच्छे से फूल जाए। अब फ्रेंड्स, ये ड्राई फ्रूट्स हैं, जो आपके पास हों वो ले लीजिए। ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बिल्कुल सिंपल तरीके से बता रही हूँ। अगर आपके पास अखरोट हो तो ज़रूर लीजिए। ये किशमिश है नॉर्मल, और ये काली किशमिश जो मेरे पास है मैंने वही लिया है। और साथ में ये टूटी फ्रूटी, थोड़ा सा कट कर लेंगे इसको। सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला देंगे तो ये एक कटोरी हो जाएगा। इस तरह से इसको माप करके हम इसको कट करेंगे बटर पेपर को। और अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो अच्छे से ऑयल ग्रीस करिए और मैदे से डस्ट कर लीजिए टिन को। सूजी अच्छे से फूल गई है। इसमें हम 2 चम्मच मतलब टीस्पून बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। और ये छोटे चम्मच से बेकिंग सोडा। अब इसमें हम जो रूम टेम्परेचर पे दूध है उसको डालेंगे और ये एक्टिव भी हो जाएगा। और मिलाएंगे एक अच्छी कंसिस्टेंसी के लिए। कढ़ाई को रखेंगे प्री हीट के लिए। इसमें स्टैंड रखेंगे और इसको हम ढक देंगे। अब इसमें 2 चम्मच हम वनीला एसेंस डालेंगे और ये ड्राई फ्रूट्स भी डाल देंगे। थोड़ा सा ऊपर से सजाएंगे। तो इतने में मैंने लगभग 60 ml दूध का इस्तेमाल किया है फ्रेंड्स, आधा कप दूध। थोड़ा सा टूटी फूटी ये सारी चीज़ें नीचे भी डाल देंगे, खूब अच्छे से रहे। क्योंकि ये ऐसा बना रहे हैं कि बिल्कुल प्लम केक लगे, तो खूब अच्छे से रहेगा तो अच्छा लगेगा। इसको डालेंगे, इसमें ऊपर से हम डाल देंगे। अब इसको हम टैप करेंगे। कढ़ाई अच्छे से गर्म हो गई है, अब इसमें रखेंगे। अब इसको हम ऐसे बर्तन से कवर करेंगे फ्रेंड्स। हमारे पास यही बड़ी थाली है जिसे मैं कवर करूंगी। आपके पास जो लिड ऐसी हो कि बिल्कुल आसपास बिल्कुल ढका रहे, कहीं से एयर ना निकले, तो इसको हम बिल्कुल लो फ्लेम पे कम से कम 40 मिनट पहले पकने देंगे। इस पे मैंने भारी रख दिया है क्योंकि नीचे से गैस निकल आएगी तो ये बर्तन टेढ़ा होने लगता है, इसलिए भारी सामान रख दी हूँ।
तो फ्रेंड्स 40 मिनट हो गया है, अब इसको खोल के चेक करेंगे। अभी देखिए ये बीच में हल्का सा है, इसको हम 10 मिनट के लिए और छोड़ेंगे। फ्रेंड्स अब इसको एक बार हम फिर से चेक करेंगे, देख सकते हैं किनारा बहुत अच्छे से छोड़ दिया है। देखिए बिल्कुल नाइफ साफ सुथरी आई है। अब हम फ्लेम को बंद करेंगे और इसको हम ढक देंगे किसी कॉटन के कपड़े से, थोड़ा ठंडा होने देंगे। इस तरह से ऊपर की जो परत होगी, नहीं तो हार्ड हो जाएगी। तो फ्रेंड्स इसको हम डिमोल्ड करेंगे। देखिए कितना अच्छा केक बन के रेडी है। इसे हम दूसरा सीधा करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स कितना बेहतरीन बना है और स्वाद बिल्कुल प्लम केक का। फ्रेंड्स हमारा बहुत टेस्टी केक बन के रेडी है। तो फ्रेंड्स आप भी बनाइए बिल्कुल इस तरह से केक, बिल्कुल घर की सामग्री से बन के तैयार हो जाएगा और बहुत है इजी बनाना। तो फ्रेंड्स रेसिपी समझ में आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब। फिर मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय।